आपको बताएंगे, गरीब एक ही दुहाई दे रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है। जलालपुर पीरवाला में बच्चों के लिए हुसूल तालीम भी मुश्किल हो गया है। दर्सी कुतुब, रजिस्टर, स्टेशनरी की कीमतों में 50 से 60% इजाफा हुआ है। वकास सदीकी हमें अपडेट करेंगे। महंगाई से जो है यूँ तो हर शहरी हर तबका ही परेशान है। अगर बात की जाए यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बच्चों की, तो महंगाई से जो है अब तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी जो हैं परेशान हैं। तालीम का हसूल भी जो है मुश्किल हो चुका है। दर्सी कुतुब और कापियाँ जो हैं 50 से 60% तक महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से वालिदैन ना सिर्फ वालिदैन बल्कि बच्चों को भी जो है अपना जो है तालीमी सफ़र गामजन रखने में जो है मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। स्कूल के तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, तलबा व तलबात, इनसे हम बात करेंगे। बताइएगा आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के दौर में मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो हर चीज़ को सस्ता कर दें। हमारे घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो जो हमारी जर्सी है और जो स्कूल की क्लास वगैरह की नोटबुक्स वगैरह हैं वो लेने में दिक्कत होती है। सो जो पहले हम 100 की लेते थे अब वो 200 की मिल रही है। बस ये मेरी दरख्वास्त है कि चीज़ें जो है ये सस्ता कर दें। अजी बिल्कुल, ये दर्सी कुतुब और कापियाँ जो हैं सस्ती कर दी जाएँ, यही बच्चों का कहना है। आप बताइएगा आप इस पर क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जैसे नोटबुक्स बुक्स ये ज्योमेट्री बुक्स ये बहुत महंगा है। हमारे पहले भी अखराजात बहुत है, हमारे वालदैन ये परचेज नहीं कर सकते, ये हमें परचेज करने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो इसमें इसकी कीमत में इसी कीमत की कमी करें ताकि हम तालीम जारी रख सकते हैं। अच्छी बिल्कुल, हुकूमत वक्त से जो है मुतालबा किया जा रहा है कि हसूल तालीम को जो है आसान बनाया जाए और महंगाई को जो है ख़त्म किया जाए।